हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूनिवर्सिटी एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज हम लोग मॉड्यूलेशन बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने रडार कम्युनिकेशन स्टडी किया था। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले हम कुछ फॉर्मूलाज देख लेते हैं जो कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में यूज़ होते हैं। जैसे कि हमें मालूम है मॉड्यूलेटिंग सिग्नल जो होता है उसे हम एम टी से रिप्रेजेंट करते हैं और उसका फॉर्मूला होता है ए एम कॉस 2 पाई FM T, और इसे हम ए एम कॉस ओमेगा एम टी भी कहते हैं। साथ ही कैरियर सिग्नल जो है वो है हमारा सी टी, और इसका फॉर्मूला है ए सी कॉस 2 पाई FCT, इसका फॉर्मूला है ए सी कॉस ओमेगा सी टी। ये जो वैल्यूज़ है इसको हम ओमेगा एम कह रहे हैं और इस वैल्यू को हम ओमेगा सी कह रहे हैं, मतलब ये फ्रिक्वेंसी है रेडियन पर सेकेंड में। और अगर यही फ्रिक्वेंसी हम हर्ट्स में लेंगे तो उसको हम एफ सी यानी कि कैरियर फ्रिक्वेंसी और एफ एम यानी कि मैसेज फ्रिक्वेंसी कहेंगे। ये होगी हमारी कैरियर फ्रिक्वेंसी और ये रहेगी हमारी मैसेज फ्रिक्वेंसी, जो कि दोनों ही हमारी हर्ट्स में है। और ये ओमेगा एम और ओमेगा सी हमारी रेडियन पर सेकेंड है। ओके, देन उसके बाद एफ सी जो होता है कैरियर फ्रिक्वेंसी, वो बहुत ज़्यादा लार्ज होती है एफ एम से, ये हमें पता है। एंड ये हमारा ए सी जो है ये कैरियर एम्पलीट्यूड है जो कि बहुत ज़्यादा लार्ज होता है मॉड्यूलेटिंग एम्पलीट्यूड से, मॉड्यूलेशन एम्पलीट्यूड से। इसके बाद अगर हम बात करते हैं मॉड्यूलेशन इंडेक्स की, तो हम उसे डेप्थ मॉड्यूलेशन भी कहते हैं और उसका फॉर्मूला होता है ए, जिसे हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है ए एम अपॉन ए सी, और इसका एक और फॉर्मूला है वी मैक्स माइनस वी मिन डिवाइडेड बाई वी मैक्स प्लस वी मिन, और साथ साथ इसका एक और फॉर्मूला है अंडर रूट ऑफ 2 twice ऑफ ट्रांसमिटेड पावर। पी टी जो है ये हमारा ट्रांसमिटेड पावर है, डिवाइडेड बाय पी सी यानी कि कैरियर पावर। इसी तरह से आई टी जो है इसका एक और फॉर्मूला है रूट ऑफ 2 IT/IC का होल स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ पे आई टी जो है वो है आपका ट्रांसमिटेड करंट, और आई सी जो है वो है आपका कैरियर करंट। ठीक है, इसके बाद अगर हम मॉड्यूलेशन इंडेक्स ऑफ मल्टीपल सिग्नल्स की बात करें तो उसका फॉर्मूला होता है एम टी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ m1² + m2² + up to so on। टोटल ट्रांसमिटेड पावर की बात करें तो उसका फॉर्मूला होता है पी टी इज इक्वल टू पी सी, टोटल ट्रांसमिटेड पावर को पी टी से रिप्रेजेंट किया है और ये इक्वल है पी सी यानी कि कैरियर पावर के, प्लस अपर साइड बैंड पावर यानी कि पी यू एस बी प्लस लोअर साइड बैंड पावर यानी कि पी एल एस बी। कैरियर पावर जो है उसका फॉर्मूला होता है पी सी इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर अपॉन 2R, R यहाँ पे रेजिस्टेंस है। पी यू एस बी यानी कि अपर साइड बैंड पावर इक्वल होती है लोअर साइड बैंड पावर के, और जो कि इक्वल होती है एम स्क्वायर ए सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8R। अगर हम टोटल पावर की बात करें तो वो होती है पी सी 1 + m² / 2। अगर हम टोटल पावर को यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे तो वो आएगा 1.5 PC जब हमारा m की वैल्यू 1 है। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट ट्रांसमिशन एफिशिएंसी। एफिशिएंसी परसेंटेज में अगर हमें फाइंड आउट करनी है तो वो होती है हमारी m² / 2 + m² × 100, और एफिशिएंसी परसेंटेज में इसका एक और फॉर्मूला है इज इक्वल टू पी एल एस बी प्लस पी यू एस बी डिवाइडेड बाई पी टी इंटू 100। अगर हम बैंडविड्थ की बात करें तो बैंडविड्थ होती है, ये सारा हम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के लिए पढ़ रहे हैं, बैंडविड्थ ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन होता है 2 ऑफ FM, FM मतलब मॉड्यूलेटिंग फ्रिक्वेंसी। अगर हम टोटल ट्रांसमिटेड करंट की बात करें तो वो होता है हमारा IT इज इक्वल टू IC अंडर रूट ऑफ 1 + m² / 2। चलिए फिर इन्हीं फॉर्मूला बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस करते हैं वन बाय वन करके, तब आपको ये और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि हम यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ 500 W कैरियर इज मॉड्यूलेटेड टू अ डेप्थ ऑफ 75%, कैलकुलेट द टोटल पावर इज द मॉड्यूलेटेड वेव। मतलब यहाँ पे हमारे पास कैरियर पावर यानी कि पी सी हमें गिवन है 500 W, और साथ में हमें मॉड्यूलेटेड टू अ डेप्थ ऑफ 75%, मतलब मॉड्यूलेशन इंडेक्स हमें गिवन है जो कि है 70 m = 75%, इसको हम लिख सकते हैं 0.75, और हमें फाइंड आउट करना है टोटल पावर। तो टोटल पावर हम पी टी से डिनोट करते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है पी टी इज इक्वल टू पी सी 1 + m² / 2।
पीसी क्या है, कैरियर पावर, उसकी वैल्यू हमारे पास गिवन है 500 जो कि हमने यहाँ रख दिया। देन 1 प्लस m, m है हमारे पास 0.75 उसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, तो अगर हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा आएगा 640.5 वॉट। देन इसके बाद हम सेकेंड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, उसमें हमें कहा है कि दी टोटल एंटीना करंट ऑफ एन AM ट्रांसमीटर इज 10 एम्पियर, मतलब यहाँ पे टोटल करंट गिवन है हमें एंटीना का जो कि हमारा है 10 एम्पियर। हमें पता है करंट की यूनिट एम्पियर होती है, जिसे A से डिनोट करते हैं, तो वो यहाँ पर है। देन इफ़ मॉड्यूलेटेड, आगे है इसी क्वेश्चन में, इफ़ मॉड्यूलेटिंग इंडेक्स इज 0.5 कैलकुलेट द कैरियर करंट इन एंटीना। हमारे पास मॉड्यूलेशन इंडेक्स की वैल्यू 0.5 गिवन है, हमें IC की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, वो कैसे करेंगे? तो उसके लिए हमारे पास हम फॉर्मूला होता है आई टोटल इज इक्वल टू IC अंडर रूट ऑफ 1 प्लस m² बाय 2। आई टोटल हमारे पास गिवन है 10 एम्पियर, वो हमने वहाँ रख दिया। IC हमें फाइंड आउट करना है, मॉड्यूलेशन इंडेक्स हमें पता है 0.5, हमने वो रख दिया। सारी वैल्यूज पुट करने के बाद जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारा IC आ जाएगा 9.4 एम्पियर। तो देखिए सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ये सारे, आगे कुछ और क्वेश्चंस भी सॉल्व करते हैं इसी तरह के कि वो कैसे सॉल्व हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए मॉड्यूलेटिंग सिग्नल 30 sin 2π × 10³³ इज यूज्ड टू मॉड्यूलेट ए कैरियर सिग्नल 40 sin 2π × 10⁴। यहाँ हमें वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, मॉड्यूलेशन इंडेक्स, परसेंटेज मॉड्यूलेशन, फ्रिक्वेंसी, बैंडविड्थ। देन उसके बाद हमें ड्रॉ करना है ड्रॉ द स्पेक्ट्रम ऑफ द AM वेव। चलिए वन बाय वन करके सारी वैल्यूज़ फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले हमें मॉड्यूलेशन इंडेक्स फाइंड करना है, जिसके लिए हमें यहाँ पर देखना होगा कि हमारे पास क्या क्या गिवन है। तो जो गिवन डेटा है उसमें हमारे पास मॉड्यूलेटिंग सिग्नल यानी कि MT की वैल्यू गिवन है जो कि है 30 sin 2π × 10³³ और उसके बाद कैरियर सिग्नल हमें गिवन है जो कि है CT 40 sin 2π × 10⁴। ये वैल्यूज हमें गिवन है। मॉड्यूलेशन इंडेक्स निकालने का फॉर्मूला हमें पता होता है, वो होता है m = AM/AC। तो यहाँ पर AM क्या है हमारा, एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेशन, और AC क्या है, एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर सिग्नल। AM है एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। तो AM को हम लिख सकते हैं कि AM हमारे पास 30 है, यहाँ जो अभी तक हमने फॉर्मूलाज स्टडी करे उसके हिसाब से 30 आ रहा है, और AC की जो वैल्यू है वो हमारी आ रही है 40। बस ये वैल्यूज़ यहाँ पुट कर देंगे और हमारी वैल्यूज़ आ जाएगी 30 / 40, और ये आ जाएगा हमारा 0.75। और ये हम वेरीफाई भी कर सकते हैं कि मॉड्यूलेशन इंडेक्स की जो वैल्यू है वो हमारी 0 से 1 के बीच में लाई करनी चाहिए, जो कि कर रही है। और हमारा यहाँ पे ये वेरीफाई भी हो गया कि मॉड्यूलेशन इंडेक्स हमारा 0.75 आ रहा है। नेक्स्ट हमें फाइंड आउट करना है परसेंटेज मॉड्यूलेशन। परसेंटेज मॉड्यूलेशन हमें फाइंड आउट करने के लिए इसे डिवाइडेड बाय 100 कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 75, मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई 100 कर देंगे तो ये आ जाएगा 75%। ओके, तो हमारे पास परसेंटेज मॉड्यूलेशन भी आ गया। नेक्स्ट हमें फाइंड आउट करना है फ्रीक्वेंसी। अभी फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड करेंगे यहाँ पे वो देख लेते हैं। वो पार्ट यहाँ पर रफ कर दिया है, सीधा सीधा वैल्यूज लिख दिए हैं। मॉड्यूलेशन इंडेक्स आ गया था हमारा फर्स्ट की वैल्यू m = 0.75, सेकेंड परसेंटेज मॉड्यूलेशन आ गया हमारा 75%। इसके बाद जब हमें फ्रीक्वेंसीज ऑफ साइड बैंड निकालनी है तो हमें पहले हम अपर साइड बैंड फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला देख लेते हैं, उसका फॉर्मूला होता है FC + FM। इसी तरह लोअर साइड बैंड की फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है FC - FM। अगर हम FM की बात करें तो FM हमारा यहाँ से आ रहा है मॉड्यूलेटिंग सिग्नल से, जो कि हमारा ये तो रेडियन पर सेकेंड में, यानी कि ωm की वैल्यू है, लेकिन हमें FM की वैल्यू चाहिए। तो FM की वैल्यू हमारी ये है 10³ हर्ट्ज़, जिसे हम 1 kHz कहते हैं। सेम इसी तरह से कैरियर सिग्नल में यहाँ पे हमारी ये ωc की वैल्यू है, और अगर हमें FC की वैल्यू निकालनी है तो वो है हमारी 10⁴ हर्ट्ज़, जिसे हम कह सकते हैं 10 kHz। बस ये वैल्यूज़ यहाँ पुट कर दी, FC की जगह हमने रख दिया FC + FM। तो हम इसे लिख सकते हैं कि यहाँ पर ये हमारी वैल्यूज आ जाएंगी, इसे यहाँ पे इस तरह से लिख दीजिए FC कितना है 10, तो 10 और FM है 1, तो ये आ गया 11 kHz। इसी तरह से FC कितना है 10
और FM है 1, तो ये आ गया आपका 9 kHz। तो ये हमारी आ गई फ्रिक्वेंसीज ऑफ साइड बैंड, अपर साइड बैंड फ्रिक्वेंसी और लोअर साइड बैंड फ्रिक्वेंसी। इसके बाद हमें फाइंड आउट करना है बैंडविड्थ। बैंडविड्थ का फॉर्मूला होता है हमारा ट्वाइस ऑफ FM। तो हम कह सकते हैं बैंडविड्थ है हमारा कितना, बैंडविड्थ का फॉर्मूला है ट्वाइस ऑफ FM, और FM की वैल्यू है हमारी कितनी है यहाँ पे 1 kHz। तो हम कह सकते हैं ट्वाइस इंटू 1 यानी कि 2 kHz, ये हमारी आ गई बैंडविड्थ। नाउ वी हैव टू ड्रॉ द स्पेक्ट्रम ऑफ द AM वेव। इसे हम रफ कर देते हैं, इसके बाद स्पेक्ट्रम ड्रॉ करते हैं कि वो क्या आ रहा है हमारा। स्पेक्ट्रम में हमें एम्पलीट्यूड की ज़रूरत पड़ेगी, तो पहले हम वो देख लेते हैं। अगर हमें एम्पलीट्यूड ऑफ साइड बैंड डिस्कस करना है तो हम लिख सकते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ साइड बैंड, जिसका फॉर्मूला होता है हमारा AUSB इज इक्वल टू ALSB, और ये दोनों ही हमारे होते हैं MAC डिवाइडेड बाय 2। और यहाँ पे हमारे पास M की वैल्यू हमें पता है, AC की वैल्यू हमें पता है, हम यहाँ वैल्यूज रख देंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे M जो है वो है हमारे पास 0.75 और AC जो है वो है हमारे पास 40 डिवाइडेड बाय 2। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से जो एम्पलीट्यूड आ जाएगा वो आ जाएगा हमारा पूरा सॉल्व करने के बाद 15, और एम्पलीट्यूड किस में आएगा, वोल्ट में। तो ये आ गया हमारा एम्पलीट्यूड ऑफ साइड बैंड्स, यानी कि ये हमारी वैल्यू आ गई AUSB और ALSB की। नाउ वी आर रेडी टू ड्रॉ द स्पेक्ट्रम ऑफ द AM वेव। वो अब हम देख लेते हैं कि उसे हम कैसे ड्रॉ कर रहे हैं। तो स्पेक्ट्रम यहाँ पे हमारा ये है फ्रिक्वेंसी स्पेक्ट्रम, जो कि हमें फाइंड आउट करना है। फिफ्थ में हमें कहा है ड्रॉ द स्पेक्ट्रम ऑफ द AM वेव, तो वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ कैरियर फ्रिक्वेंसी रखी है, जिसका एम्पलीट्यूड 40 वोल्ट हमें गिवन है, वो हमने रख दिया। इसके बाद लोअर साइड बैंड जो फ्रिक्वेंसी है वो है हमारी 9 kHz, ये इसका एम्पलीट्यूड हमारा 15 वोल्ट है, जो कि हम फाइंड आउट कर चुके हैं। देन अपर साइड बैंड फ्रिक्वेंसी है हमारी 11 kHz, उसका एम्पलीट्यूड भी सेम 15 वोल्ट है, जो हम फाइंड आउट कर चुके हैं। और बैंडविड्थ की अगर हम बात करें तो बैंडविड्थ हमारी इन दोनों के बीच में अपर साइड बैंड माइनस लोअर साइड बैंड यानी कि 2 kHz आ रही है, मतलब 11 - 9, जो कि हमारा 2 kHz फ्रिक्वेंसी आ रही है। तो हम ये कह सकते हैं ये हमारा फ्रिक्वेंसी स्पेक्ट्रम फाइंड आउट हो चुका है। तो ये हमारे न्यूमेरिकल्स हो गए मॉड्यूलेशन के, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के। ये सब्जेक्ट हमारा फिनिश हो गया है। आई होप आपको मेरे ये सारे लेक्चर्स पसंद आए होंगे। आप हमारे ये हैंड रिटन नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं, और अगर आपको हमारे ये चैनल पसंद आ रहा है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।